सीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ जो हम लोगों ने पढ़ी थी, उसी में कुछ और एक नई चीज़ देखने वाले हैं जो कि होने वाली है हमारी एट द रेट प्रोफाइल एनोटेशन। ठीक है, तो एट द रेट प्रोफाइल एनोटेशन क्या होता है बेसिकली? तुम्हारा एट द रेट प्रोफाइल एनोटेशन को हम लोग समझते हैं थोड़ा इस तरीके से। लेट सपोज हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो अलग अलग एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय होता है। जब किसी भी कंपनी में जाओगे, डेव एनवायरनमेंट मतलब जो डेव मशीन होती है, डेवलपर मशीन होती है, उसके लिए एक अलग डेटाबेस होता है, ठीक है, जिसका अलग यूज़र नेम पासवर्ड होता है। QA जो होता है उसका एक अलग एनवायरनमेंट होता है। जब तुम कंपनी में काम करोगे तो ऐसा ही होता है काम, तुम्हारा अलग एनवायरनमेंट होगा, QA का अलग एनवायरनमेंट होगा, लाइव कोड जो होगा, लाइव प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं प्रॉड, वो एक अलग एनवायरनमेंट में होगा, ठीक है। तो तीनों अलग अलग एनवायरनमेंट होते हैं, और भी कई सारे होते हैं, डेव होता है, बीटा होता है, स्टेज होता है, QA होता है, लाइव, और भी कई सारे होते हैं, ठीक है। तो हर एनवायरनमेंट के अपने अलग अलग जो है डेटाबेस यूज़र नेम पासवर्ड होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर होता क्या है, जो हमारी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल है अभी, ठीक है, हमारी जो करेंटली अभी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल है, जो ये अभी यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने लेट सपोज़ अगर कोई भी यहाँ पर जो है डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन करी है या कुछ भी करी है, तो वो अभी सारे एनवायरनमेंट पे यही चलेगी। अगर मान लो तुम्हारा ये पूरा कोड जो है वो अगर अभी डेव एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय होता है तो उसमें वही डेटाबेस का यूज़र नेम पासवर्ड जाएगा, ठीक है, जो तुम यहाँ लिखोगे। अगर तुम्हारा यही एप्लीकेशन पूरी जो है वो QA की मशीन पर डिप्लॉय होती है तो वहाँ पर अलग जो है यूज़र मतलब सेम यूज़र नेम पासवर्ड जाएगा। सेम तुम्हारा क्या होगा, प्रॉड में भी होगा, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे जो भी तुम्हारा एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी उसका सेम यूज़र नेम पासवर्ड जाएगा जो तुमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। हम चाहते हैं कि भाई जब हमारा कोड डेव एनवायरनमेंट पर रहे तो उसका यूज़र नेम पासवर्ड अलग हो, QA के पास जाए तो यूज़र नेम पासवर्ड अलग हो, ताकि वो अलग डेटाबेस एक्सेस करे, ठीक है, ताकि वो अपनी जो टेस्टिंग करे डेटाबेस के साथ, जो भी परफॉर्म करे ऑपरेशन या खेले, उससे क्या है डेव एनवायरनमेंट डेटाबेस पर फ़र्क ना पड़े। अभी क्या है, सभी एनवायरनमेंट वाले लोग जो हैं वो एक ही डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी उनके पास एक ही कॉन्फ़िगरेशन है डेटाबेस की। तो डेव वाला जो होगा वो भी क्या है, अभी क्या है, एक ही डेटाबेस यूज़ कर रहा है यहाँ पर, लेट सपोज ये डेटाबेस है। स्टेज वाला जो है वो भी एक ही डेटाबेस यूज़ कर रहा है, प्रोडक्शन वाला जो है वो भी एक ही डेटाबेस यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो डेव एनवायरनमेंट वाला बंदा कुछ इंपॉर्टेंट फीचर बना रहा है और डेटाबेस में डाल रहा है, और उधर से QA वाला जो बंदा है वो टेस्टिंग करने के लिए वही डेटा पे टेस्टिंग कर रहा है, तो समझ लो इंपॉर्टेंट डेटा के साथ गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, अलग अलग एनवायरनमेंट के लिए अलग अलग जो है डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशंस होंगी और अलग अलग डेटाबेस होंगे, ठीक है। तो वो कैसे होंगे, तो लेट सपोज हमारा जो डेव एनवायरनमेंट होगा उसके लिए हम अलग से प्रॉपर्टीज़ फाइल बना लेंगे, एप्लीकेशन हाइफन डेव डॉट प्रॉपर्टीज़, ठीक है, इस तरीके से एप्लीकेशन हाइफन डेव डॉट प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड दे देंगे डेव यूज़र नेम डेव पासवर्ड, ठीक है। इसी तरीके से हम प्रॉड का बना लेंगे, ठीक है, लेट सपोज यूज़र नेम उसका हो गया प्रॉड यूज़र नेम, पासवर्ड हो गया प्रॉड पासवर्ड, उसी तरीके से QA का बना लेंगे QA यूज़र नेम QA पासवर्ड, ठीक है। अब लेट सपोज अभी हम कोड को अपना करंटली डिप्लॉय कर रहे हैं डेव एनवायरनमेंट पे, तो हम अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर यहाँ पर जो है हम लोग सिंपली यहाँ लिख देंगे। अच्छा देखो एक चीज़ और भी है, अभी अगर मान लो तुम कुछ नहीं लिखते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर तुम्हारा कौन सा जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, ठीक है। तो ये प्रोफाइलिंग वाले कॉन्सेप्ट पे आओ, इधर आओ, इसको MySQL वाली फाइल को अनकमेंट करते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट अभी मान लो कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी हमने, तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड तुम्हारा जाएगा अगर इसको अभी तुम रन करते हो, ठीक है। तो MySQL का क्लास रन होगी, ये कॉम्पोनेंट है, इसकी बीन क्रिएट होगी, और यहाँ पर यूज़र नेम और जो पासवर्ड फील्ड है ये देखो आ गया, यहाँ पर जो यूज़र नेम और जो पासवर्ड फील्ड है इसके अंदर कौन सा यूज़र नेम पासवर्ड इंजेक्ट होगा जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में पड़ा होगा, कौन सा पड़ा है, डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम डिफ़ॉल्ट पासवर्ड पड़ा है, तो वही इंजेक्ट हो गया यहाँ पर, और हम लोग उसको वही प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर, यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। तुम देख सकते हो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो लेट सपोज अभी हम लोग ने ये डिप्लॉय करा है अपने लोकल पे, मान लो लोकल पे पड़ा है, लेकिन अब अपने कोड को जो है हम अभी कौन से एनवायरनमेंट पे डालना चाहते हैं, मान लो अभी हम लोग उसको चाहते हैं डेव एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय करना, ठीक है। तो हम लोग ने लिख दिया स्प्रिंग डॉट प्रोफाइल्स डॉट एक्टिव डेव, ठीक है, स्प्रिंग डॉट प्रोफाइल डॉट एक्टिव डेव, और यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ और भी करनी होती है, यहाँ पर जो MySQL वाली फ़ाइल है, ठीक है,
तो यहाँ पर, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब तुम इसको, तुमने क्या करा है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल में बता दिया कि स्प्रिंग डॉट प्रोफाइल्स डॉट एक्टिव डेव। अभी डेव एनवायरनमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ फाइल होंगी, ये जो है एप्लीकेशन हाइफन डेव डॉट प्रॉपर्टीज़, वो पूरी प्रॉपर्टीज़ फाइल इसकी उठ के एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में चली आएंगी और वही एक्टिव हो जाएंगी। ठीक है, तो अब की तुम देखोगे तो यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड जो आएगा वो आएगा डेव का यूज़र नेम पासवर्ड। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर डेव का यूज़र नेम पासवर्ड आ रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में अभी किसका पड़ा हुआ है, डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड पड़ा है। ठीक है, लेकिन जो हम लोगों ने अपनी डेव डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल के अंदर जो यूज़र नेम पासवर्ड दे रखा था, उसको हम लोगों ने यहाँ से इनेबल कर दिया कि भैया डेव एनवायरनमेंट के लिए डेव यूज़र नेम पासवर्ड जाएगा। ठीक है, अब मान लो क्यू ए के लिए हम लोग कोड डिप्लॉय कर रहे हैं, तो क्यू ए लिख देंगे बस यहाँ पर सिंपली। ठीक है, तो हमारा जो MySQL वाली फाइल है उसके अंदर हम लोगों ने एट द रेट वैल्यू से जो है उसकी डिटेल्स पिक कर रहे हैं। एट द रेट वैल्यू ये हम लोगों ने समझा है पहले क्या होता है, इसको अगर हम यूज़र नेम फील्ड के ऊपर लगाएंगे तो ये डायनेमिक वैल्यू रीड करता है प्रॉपर्टीज़ फाइल से। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ फाइल के ऊपर यूज़र नेम करके कोई फील्ड बनी हुई है क्या? तो हाँ, एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ फाइल में यूज़र नेम करके फील्ड बनी हुई है। तो इस यूज़र नेम और पासवर्ड की फील्ड पे हमारी कौन सी वाली डिटेल्स एक्टिव हो जाएंगी, क्यू ए की डिटेल्स। ठीक है, वही जो है वही उठा के हम लोग फेच कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब लेट सपोज हमको प्रॉड की डिटेल्स डालनी है। ठीक है, तो ये देखो प्रॉड की डिटेल्स इस तरीके से चली जाएंगी। ठीक है, ये ठीक है, तो अब देखो प्रॉड की डिटेल्स हमारी एक्टिव हो जाएंगी और यहाँ पर जो है प्रॉड की जो है डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, ये एक चीज़ तुम्हारी हो गई। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर लेट सपोज हमको एट ए टाइम यहाँ पर मल्टीपल प्रोफाइल यूज़ करनी हो, हम चाहते हैं कि हमारा प्रॉड की कॉन्फ़िगरेशन भी एक्टिव रहें और डेव की कॉन्फ़िगरेशन भी एक्टिव रहे, मतलब प्रॉड की जो हमारी प्रॉपर्टीज़ फाइल है वो भी एक्टिव रहे और डेव की जो प्रॉपर्टीज़ फाइल है वो भी एक्टिव रहे। ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि MySQL का जो कनेक्शन हो वो हमारा प्रॉड की डेटाबेस के साथ हो, और जो NoSQL का हो, मान लो ये नो एस क्यू एल का बना हुआ है, वो हमारा किसके साथ हो, ये जो नो एस क्यू एल का बना है वो हमारा क्यू ए के साथ हो। ठीक है, हम लोग ऐसा चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को पहले यहाँ पर जो है एक पॉम डॉट एक्स एम एल कन्फिग्रेशन करनी पड़ती है। वो कन्फिग्रेशन क्या होती है, ये पूरा हम लोगों को लगाना पड़ता है। ठीक है, अगर तुमको मल्टीपल प्रोफाइल्स यूज़ करनी है तो तुमको ये कन्फिग्रेशन, ऐसी कन्फिग्रेशन करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद अब तुम चाहते हो कि तुम्हारी जो है अभी कितनी प्रॉपर्टीज़ फाइल हैं, एक है डेव, एक है प्रॉड, एक है क्यूए। तुम चाहते हो डेव और प्रॉड की जो प्रोफाइल है वो एक्टिव हो जाए। ठीक है, डेव को हम डेव की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंजेक्ट करेंगे MySQL डेटाबेस के साथ, और प्रॉड की जो प्रॉपर्टीज़ फाइल हैं वो हम इंजेक्ट करेंगे NoSQL के साथ। ठीक है, तो तुम यहाँ सबसे पहले तो एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ में आओगे और यहाँ लिख दोगे डेव कॉमा प्रॉड। ठीक है, इस तरीके से डेव कॉमा प्रॉड लिख दोगे। ठीक है, अब उसके बाद तुमको डेव को इंजेक्ट कराना है MySQL पे। ठीक है, तो डेव को इंजेक्ट कराना है MySQL से, तो तुम इस तरीके से यहाँ पर प्रोफाइल का एनोटेशन लगा दोगे। तो MySQL जो क्लास फाइल है उसके अंदर कौन सा यूज़र नेम पासवर्ड जाएगा, डेव का जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने ये कहाँ बताया हुआ है, यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, हम लोगों ने पहले तो प्रोफाइल कौन सी एक्टिव करना चाहते हैं वो बताया, हमने बोला डेव और प्रॉड हम एक्टिव करना चाहते हैं। अब डेव और प्रॉड दोनों एक्टिव हो गए हैं, प्रॉपर्टीज़ फाइल जो है डेव और प्रॉड। ठीक है, फिर हमने ये बताया कि जब डेव और प्रॉड एक्टिव हो गए हैं तो MySQL के अंदर तुम जो है डेव की प्रॉपर्टीज़ फाइल इंजेक्ट कर दो, और NoSQL के अंदर तुम जो है प्रॉड की प्रोफाइल एक्टिव कर दो। ठीक है, अब इसको हम अगर वापस से इंजेक्ट वो करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो तुम देख सकते हो यहाँ पर MySQL के अंदर, ये देखो एक सेकंड, अच्छा अभी ऐसे लिखा नहीं है हमने। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि ये MySQL का है और ये NoSQL का है, ताकि पता चले। ठीक है, NoSQL का है, तो MySQL के अंदर अभी क्या गया है, डेव की प्रॉपर्टीज़ फाइल एक्टिव हुई हैं। तो MySQL के अंदर, अरे MySQL के अंदर प्रॉड कैसे हो गया, दोनों के अंदर प्रॉड हो गया, ये क्या हो गया, एट द रेट प्रोफाइल, एट द रेट प्रोफाइल और एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में
हमने किया डेव और प्रॉड, ठीक है। तो ये तो ऐसा ही होता है डेव डॉट प्रॉड, इसको एक बार वापस से हम करेंगे रन। तो यहाँ पर अभी भी जो है नो एसक्यूएल के अंदर, नो एसक्यूएल के अंदर तो चलो हमें प्रॉड ही चाहिए, माई एसक्यूएल के अंदर लेकिन हमें डेव चाहिए। डेव क्यों नहीं आ रहा है? आई थिंक ये अलग अलग से आएगा क्या? अलग से तो नहीं आएगा। अगर मान लो इसको डेव लग करा दें ऐसे, प्रॉड कॉमा डेव कर दें, तो अभी खाली डेव की ही एक्टिव हुई है। ऐसा क्यों हो रहा भाई? तो MySQL यूज़र नेम, डेव यूज़र नेम और इधर डेव पासवर्ड। तो MySQL के अंदर प्रोफाइल जो है उसके अंदर डेव का यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी क्या आ रहा है MySQL के अंदर? डेव का ही आ रहा है, लेकिन NoSQL के अंदर प्रॉड का आना चाहिए, प्रॉड आना चाहिए NoSQL के अंदर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? चलो चलो चैट GPT से पूछते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज ये हमारी application-dev.properties फाइल है, ठीक है। और ये हमारी QA की है, application-QA.properties फाइल है ये, ठीक है। और ये हमारी प्रॉपर्टीज़ फाइल अपनी है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ फाइल बता देंगे, अरे यार कट गया, तो फिर से बताना पड़ेगा डेव की। ये हमारी क्या है? डेव की प्रॉपर्टीज़, ये हमारी डेव की प्रॉपर्टीज़ हैं। डेव की प्रॉपर्टीज़ ये डेव की प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉड की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और ये हमारी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये हमारी MySQL कनेक्शन क्लास फाइल, और ये हमारी NoSQL कनेक्शन क्लास फाइल, ठीक है। लेकिन जो आउटपुट हमें आ रहा है वो आ रहा है ये। तो हम लोग लिखेंगे Why the output is not different, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हम लोगों ने गलती कर दी है। प्रोफाइल रिजोल्यूशन ऑर्डर प्रॉपर्टी लोडिंग, हाउ टू फिक्स इट, टेस्ट विद अ सिंगल प्रोफाइल एग्जाम्पल कन्फिग्रेशन ये, हाउ टू इनेबल मल्टीपल प्रोफाइल, हाउ टू इनेबल मल्टीपल प्रोफाइल्स। तो देखो इस तरीके से कर सकते हैं, हम लोग ने सही किया है। स्प्रिंग डॉट प्रोफाइल डॉट एक्टिव इक्वल्स टू डेव डॉट प्रॉड, ठीक है। तो लेट सपोज हम लिख देते हैं, बात तो एक ही है, प्रॉड या डेव करो कुछ भी करो। उसके बाद डेव डॉट प्रॉपर्टीज में ये यूजिंग प्रोफाइल एनोटेशन, प्रोफाइल पर डेव लगाया, प्रोफाइल पर प्रॉड लगाया, किया तो सही है, फिर भी नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? किया तो सही है फिर भी नहीं हो रहा। चलो आप लोग इसको करके बताना क्या आप लोग के में आउटपुट सही आ रहा है क्या। मेरे में क्या हो रहा है कि अभी क्या डेव ही इंजेक्ट हो जा रहा है दोनों फाइलों में, MySQL और NoSQL दोनों में, ठीक है। लेकिन आई होप आप लोगों को प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा क्या होता है। कुछ नहीं होता है, बस हम लोगों को अलग अलग एनवायरनमेंट के लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी हो अगर और इंजेक्ट करनी हो तो वो कैसे करेंगे। तो बस हम लोग ने प्रॉड की कॉन्फ़िगरेशन फाइल के लिए अलग बना रखी है फाइल, सेम डेव के लिए, सेम QA के लिए, और किस एनवायरनमेंट पे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल इनेबल करनी है वो करने के लिए हम लोग यहाँ से ऐसे बता देते हैं, ठीक है। एक मिनट रुको, यहाँ पर हम लोग एक बार ऐसे चेक करके देखते हैं, इसको हटा करके एक बार को जरा कुछ टेस्ट कर रहे हैं कुछ हम। नहीं नहीं ठीक है चलो। तो तुम लोग भाई बताना तुम लोगों का क्या ऑब्जेक्ट्स आउटपुट सही आ रहा है क्या, मतलब प्रॉड और डेव को हमने दोनों को इनेबल कर दिया है, ठीक है। MySQL के ऊपर हम चाहते हैं कि डेव इंजेक्ट हो, डेव की प्रॉपर्टीज फाइल इंजेक्ट हो, ये वाली,
और नो एसक्यूएल के ऊपर हम चाहते हैं कि प्रॉड की प्रॉपर्टीज़ फाइल इंजेक्ट हो, प्रॉड की ये वाली, ठीक है। तो अगर होए तो तुम लोग बताना, मेरे में तो अभी नहीं हो रहा फिलहाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक कम सारा कोड जो है डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया पूरा गिटहब पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को गिटहब लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग। शुभम साइनिंग ऑफ।